दोस्तों क्या आपको पता है कि हिटलर के पास एक ऐसी टीम थी जो भारत के प्राचीन ग्रंथों पर रिसर्च किया करती थी, क्योंकि हिटलर को पता चल गया था कि भारत के प्राचीन वेदों और रामायण महाभारत में बताए गए विमान और वेपन्स कोई काल्पनिक कहानी नहीं थे। और इस तरह से हिटलर ने प्राचीन ग्रंथों पर रिसर्च करना शुरू कर दिया जो भारत के इतिहास से जुड़े थे। और ऐसा करके हिटलर ने स्पेसक्राफ्ट और यहाँ तक कि टाइम मशीन भी बना ली, और इसका एविडेंस हम आपको दिखाने वाले हैं, तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। तो हेलो दोस्तों, मैं अभय चौरसिया, चेंज योर लक, जीरो से हीरो तक में आपका स्वागत है। वर्ष 2011 में तिब्बत के लासा में एक प्राचीन दस्तावेज मिला था। संस्कृत में होने की वजह से इस दस्तावेज की पड़ताल करने के लिए इसे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी भेजा गया। जब इस दस्तावेज पर रिसर्च हुआ तो पता चला कि इसमें स्पेसशिप से जुड़ी बातें लिखी गई थी कि कैसे इंसान एंटी ग्रेविटी स्पेसशिप के जरिए अंतरिक्ष में भेजा जा सकता है। उस दस्तावेज में लघिमा इस शब्द का इस्तेमाल किया गया था। लघिमा यह योग और सिद्धि से प्राप्त की जाने वाली एक ऐसी साधना थी जिसके जरिए इंसान अपने वजन को जीरो कर सकता था। आपको सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन यह ठीक उसी तरह है जैसे कि आज के युग के जानकार रखने वाले लोग पानी की सतह पर तैरते हैं। लेकिन लघिमा सिद्धि को प्रैक्टिस करना हर किसी के बस की बात नहीं होती थी। तो चलते हैं अब दूसरे फैक्ट की ओर। मद्रास विश्वविद्यालय के रिटायर्ड प्रोफेसर डॉक्टर वी राघवन, जो कि संस्कृत के प्रोफेसर थे, और उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में संस्कृत के कई प्राचीन ग्रंथों का अभ्यास किया था। उनका कहना है कि हजारों सालों पहले भारत की इस धरती पर दूसरे दुनिया के लोगों का आना जाना था। उन्होंने अभ्यास के दम पर यहाँ तक कहा था कि विमानों का प्रयोग इंसानों ने हजारों सालों पहले ही किया था, जिसमें रावण द्वारा इस्तेमाल पुष्पक विमान का भी पुष्टि की गई थी। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के एयरोस्पेस इंजीनियर ट्रेविस टेलर ने एक कदम और आगे जाकर रामायण में उल्लेख किए गए पुष्पक विमान का 3D मॉडल बनाकर उस पर एक्सपेरिमेंट किया था। वर्ष 2017 में उन्होंने रामायण में वर्णन किए हुए विमान का 3D मॉडल बनाकर उसे विंड टनल एनालिसिस किया था। इस प्रयोग के पीछे उनका एक ही मकसद था कि काल्पनिक कथा कहे जाने वाले रामायण में जिन विमानों का जिक्र है, जैसा उनका आकार बताया गया है, क्या वो विमान उड़ने लायक थे या नहीं। इस एक्सपेरिमेंट के लिए उन्होंने एक बड़ी टनल बनाई। इस टनल में उस विमान के मॉडल को उन्होंने 50 मील प्रति घंटे की रफ्तार से बहने वाली हवा के प्रेशर में रखा और इस विमान के बिहेवियर को एनालाइज किया, और जिसका नतीजा यह निकला कि विमान का यह मॉडल पूरी तरह से एरोडायनामिक था, मतलब हवा में उड़ने योग्य। इस एक्सपेरिमेंट को आप भी देख सकते हैं, तो जाइए और गूगल बाबा पर सर्च करिए। वर्ष 1938 में हिटलर के लिए काम करने वाली वैज्ञानिकों की एक टीम ने भारत के एक व्यक्ति दांडी भाटला विश्वनाथ शास्त्री जी से मुलाकात की थी और उन्हें अपने साथ जर्मनी आने का प्रस्ताव दिया था। लेकिन हिटलर को उन्हें जर्मनी बुलाने की जरूरत क्यों पड़ी? इसकी वजह यह है कि विश्वनाथ शास्त्री यजुर्वेद और अथर्ववेद के ज्ञानी थे और संस्कृत में उन्होंने महारत हासिल की थी। हिटलर उनके इसी ज्ञान का इस्तेमाल करके प्राचीन वेदों में छिपे राज को डिकोड करना चाहता था। हिटलर रामायण और महाभारत के बारे में जानता था। उसे पता था कि इन ग्रंथों में कई खतरनाक विमानों और वेपन्स का उल्लेख किया गया है, और वो ये भी जानता था कि वो कोई सिर्फ काल्पनिक कथाएं नहीं है, बल्कि महाभारत भारत के इतिहास का एक हिस्सा है। इसलिए वो इन ग्रंथों में छिपे रहस्यों को डिकोड करके उसका इस्तेमाल स्पेसशिप बनाने के लिए करना चाहता था। लेकिन क्या हिटलर इसमें कामयाब हो सका? क्या सच में उसने भारत के प्राचीन ग्रंथों का इस्तेमाल करके स्पेसशिप या टाइम मशीन बना ली थी? हिटलर के पास एक टीम थी जो भारत के इन प्राचीन ग्रंथों पर अभ्यास करती थी और जरूरत पड़ने पर कई भारतीयों को जर्मन बुलाकर उनकी मदद भी ली गई। और इस तरह से हिटलर के वैज्ञानिकों ने दुनिया का पहला मर्क्यूरिक वोल्टिक्स इंजन बना लिया और वह एंटी ग्रेविटी स्पेसक्राफ्ट बनाने के बिल्कुल करीब पहुंच गए थे। पोलैंड में मौजूद यह जगह शहर से काफी दूर है। यहां हथियार बनाने की फैक्ट्री थी जिसे जर्मन सेना युद्ध में इस्तेमाल करती थी। लेकिन इस जगह के बारे में चौंकने वाली बात यह है कि यह सिर्फ
फैक्ट्री ही नहीं थी, बल्कि इस फैक्ट्री के आड़ में जर्मन सेना अपने खुफिया प्रोजेक्ट को अंजाम देती थी। इस फैक्ट्री के नीचे कुछ ऐसी सुरंगें हैं जिनमें कुछ सीक्रेट लैब हैं, और यहीं पर हिटलर के वैज्ञानिक स्पेसक्राफ्ट और टाइम मशीन बनाने के लिए एक्सपेरिमेंट किया करते थे। हिटलर के एंटी ग्रेविटी स्पेसक्राफ्ट बनाने के आइडिया पर जैसे आपको अभी यकीन नहीं हो रहा, ठीक वैसी ही बात इस बात को कोई नहीं मानता। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट से जुड़े कई ऐसे दस्तावेज मिले, और इसी जगह पर एक ऐसा स्ट्रक्चर मौजूद है जिसने हिटलर के इरादे क्या थे दुनिया को बता दिया। अब स्क्रीन पर जो आप इमेज देख रहे हैं यह उसी एंटी ग्रेविटी स्पेसक्राफ्ट की ब्लूप्रिंट है जो हिटलर बना रहा था, और इसी जगह पर इस स्पेसक्राफ्ट का परीक्षण किया जाता था। 9 दिसंबर 1965 में अमेरिका में एक यूएफओ क्रैश हुआ था, और इस यूएफओ को इतने लोगों ने देखा कि वहां की सरकार भी इस बात को नहीं छिपा पाई थी। और जिस जगह पर यह यूएफओ क्रैश हुआ था वहां पर इसकी एक मॉडल भी बनाई गई है। इस क्रैश हुए यूएफओ के बारे में मैं आपको इसलिए बता रहा क्योंकि ये यूएफओ और हिटलर की टीम जो स्पेसक्राफ्ट बना रही थी वो दोनों एक जैसी थी। तो क्या प्राचीन वेदों में अमेरिका में गिरे यूएफओ में और हिटलर की टीम जो स्पेसक्राफ्ट बना रही थी एक जैसे ही थे? तो क्या इन तीनों में इतनी समानता होना एक कोइंसिडेंट था? तो इस तरह से हिटलर ने प्राचीन वेदों में छिपे टेक्नोलॉजी को चुराने की नाकाम कोशिश की थी, लेकिन उसका इरादा गलत था, इसलिए किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया और वो इस स्पेसक्राफ्ट को बनाने में कामयाब न हो सका। और इस तरह से यहाँ यह बात पक्की हो जाती है कि रामायण और महाभारत में बताए गए विमान और वेपन्स कोई काल्पनिक कहानी नहीं थे, बल्कि साइंस आधारित और एरोडायनामिक मॉडल थे। तो मिलते हैं आने वाले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।